ईद मुबारक, ईदी का मेरी देती देती ईदी देती मुबारक, मैं सर पे हाथ रख के दुआ दे रहा हूँ। अच्छा उनकी जोड़ी को लेके काफी बातें चल रही थी, जैसे टाइगर ने ऋतिक के साथ काम किया तो वैसी जोड़ी नहीं निकल पाई। हाँ 2000 मतलब हर साल हमेशा सलमान भाई नजर आते हैं बॉक्स ऑफिस पर, इस बार सलमान भाई मिसिंग है, क्या कहना? सलमान भाई की बात ही अलग है जी, सलमान भाई का कंपेयर हम कर ही नहीं सकते जी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है। तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखे कि मैंने कुर्ला की स्ट्रीट पे जाके शॉपिंग किया था ओके ईद के लिए, और फाइनली आज ईद का दिन है, ईद उल फित्र का दिन है। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो मैं अभी बस अभी जस्ट उठा हूँ और अभी रेडी होने जा रहा हूँ, तो जो जो मैंने कल शॉपिंग किए थे आज वो कपड़े पहनूंगा, तो अभी जस्ट उठा हूँ मैं ओके, तो जल्दी से रेडी हो जाता हूँ, रेडी होने के बाद आप सबसे मिलता हूँ। तो हेलो एवरीवन, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी नमाज की टोपी है, यहाँ पे पहन लेता हूँ, तो ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो चुका, बस अभी जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, मिलता हूँ आपसे नमाज पढ़ने के बाद। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को ईद उल फित्र मुबारक। तो कैसे अभी जैसे मैं नमाज पढ़ के आया हूँ, तो घर पे आया हूँ, तो अभी सबसे ईद मिलूंगा जाके अभी घर में। सबसे पहले ईद मुबारक अम्मी, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईदी का है मेरी देती देती ईदी देती। हेलो एवरीवन, तो मैं आज आया हूँ कुर्ला से सेंटा क्रूज अपनी नानी से ईद मिलने के। अस्सलाम वालेकुम नानी, ईद मुबारक, मैं सर पे हाथ रख के दुआ दे रहा हूँ, कुछ शुक्रिया नानी। और मैं ये बता आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी है, हर साल मैं आता हूँ यहाँ पे नानी से ईद मिलने के लिए, कुर्ला से सेंटा क्रूज आता हूँ सिर्फ नानी से ईद मिलने के लिए। आया हूँ गेटी गैलेक्सी बैंड्रा बड़ी मियाँ छोटी मियाँ देखने के लिए, तो देखता हूँ कैसी है मूवी, आ जाओ। यहाँ पे देख के लग रहा है बहुत सारा क्राउड है यहाँ पे मूवी देखने आए लोग, तो अभी तक टिकट के यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज्यादा क्राउड है, टिकट खरीदने के बाद मैं मिलता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मूवी का टिकट ले लिया हूँ ओके, बड़ी मैं छोटी मैं अंदर जाऊंगा एंजॉय करूंगा, और आपको इसका मूवी रिव्यू अपनी तरफ से भी दूंगा और ऑडियंस क्या क्या बोलती है वो भी दूंगा, और प्लस मेरा एक और चैनल है ओके फिल्मी फजल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको भी चैनल पे सपोर्ट कीजिए मुझे। अच्छा उनकी जोड़ी को लेके काफी बातें चल रही थी, जैसे टाइगर ने ऋतिक के साथ काम किया तो वैसी जोड़ी नहीं निकल पाई अक्षय के साथ, नहीं वैसी नहीं निकल पाई, पर वो जोड़ी लेवल ही अलग थी क्योंकि वहाँ पे टाइगर श्रॉफ है ऋतिक रोशन, इसलिए, और यहाँ पे दोनों अलग है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी पड़ी है, यहाँ पे जो है अक्षय कुमार ने, मुझे पहली बात ये अच्छा लगा कि टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार ने ये मूवी की, और प्लस देशभक्ति है प्लस ईद के दिन आई, तो मैं सब ऑडियंस से बोलना चाहूंगा कि ये मूवी आके। हाँ 2000 मतलब हर साल हमेशा सलमान भाई नजर आते हैं बॉक्स ऑफिस पर, इस बार सलमान भाई मिसिंग है, क्या कहना? सलमान भाई की बात ही अलग है जी, सलमान भाई का कंपेयर हम कर ही नहीं सकते जी। और जहाँ पर आपको पता ही होगा कि सलमान खान भाई ने भी अपनी मूवी का अनाउंसमेंट कर दिया है जिसका नाम है सिकंदर, उसको लेकर क्या कहोगे, किस तरह की एक्साइटमेंट है? ईद पे ईदी तो दे दिया है, हालांकि ये साल नजर नहीं आया है, उसको लेकर क्या कहोगे? सिकंदर जबरदस्त ईदी मिली है, जो मूवी में ईदी मिली है ना भाई जबरदस्त है, और मैं वेट कर रहा हूँ ओके। उसके डायरेक्टर है ए आर मंगडोस, जिसने गजनी बनाई है जी, गजनी बनाई है, और साजिद नाडेड वाला प्रोड्यूस कर रहा है, उस चीज की केमिस्ट्री को लेकर क्या कहना चाहिए? बेस्ट पेयर है, धमाका मचा देगी बॉलीवुड में, देख लेना। सलमान के बिना कितना अधूरा लग रहा है ये, सलमान के बिना तो बोलते ना ईदी, मतलब ये उन्होंने अनाउंस कर दिया बहुत बड़ी ईदी अपने लिए, बड़ी बहुत बड़ी ईदी मिली भाई। लास्ट में क्वेश्चन रहेगा, शाहरुख खान और सलमान खान में ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे कि भाई इस पे हमको यही नजर आए? वो दोनों अपने जगह पे अलग है, मैं बोला ना खान कंपेयर बोलता था, वो अपने जगह पे स्टार है, वो अपने जगह पे स्टार है। हाँ तो गाइस अभी जस्ट मैं अभी मूवी देख के आया, बड़े मियाँ छोटे मियाँ अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ ओके सोनाक्षी सिन्हा की मूवी है ओके, डायरेक्ट किए है अली अब्बास जफर, बहुत लोग हेट फैला रहे हैं सही मूवी नहीं है ऐसा नहीं है, क्या अच्छी तो मूवी बनाया है, सब अच्छा लगा मेरे को, एक्शन अच्छा लगा, वीएफएक्स ठीक था थोड़ा, सब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ न्यूज चैनल में सब हेड फैला रहे, क्या जरूरत है हेड फैलाने की, अच्छी तो मूवी बनाई दोनों ने। हाँ फ्रेश पैर है तो थोड़ा, मतलब लास्ट टाइम मैंने पैर देखा था टाइगर वर्सेस ऋतिक का तो इतना अच्छा लगा था, बट इसमें थोड़ा सा वैसा नहीं लगा, बट मूवी अच्छी है, अच्छा सॉन्ग्स भी है, सॉन्ग्स अच्छे लगे, स्टोरी भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि खराब है, अच्छी है ठीक ठाक है मूवी ऐसा बोलेंगे। और जैसे कि ईद के टाइम पे आई है ओके, बहुत ही अच्छी, मतलब
यहाँ पे उन लोग ने ओपनिंग दी यहाँ पे, ओके अच्छी यहाँ पे मूवी मेरे को लगी, अकेला आया देखने में, ओके। और ये बोलूंगा हेड मत फैलाओ, अच्छी मूवी है, आओ फैमिली के साथ देखो। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की बड़े मियाँ छोटे मियाँ को मैं दूंगा 5 में से 3.5 स्टार दूंगा। आइए देख के जाइए मूवी, वन टाइम वॉच है। हेलो एवरीवन, तो आप सभी को मेरे जो दोस्त थे उनसे मिलाना चाहता हूँ। ये देख सकते हो, ये जो ब्राउन कलर का है, हे इधर देख, इसका नाम है चिन्नी। चिन्नी, ईद मुबारक चिन्नी। और ये जो यहाँ पे छोटा सा बैठा है ना, इसका नाम है छोटू। ईद मुबारक छोटू, ईद मुबारक। ये देखो, ये इन लोगों का घर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इधर आ जा, ईद मुबारक, ईद मुबारक कर, ईद मुबारक। देखो ईद मुबारक कर रहा है, ईद मुबारक चिन्नी। और ये है मेरा छोटू, छोटू ईद मुबारक, छोटू ईद मुबारक, ईद मुबारक छोटू। इधर देख, इधर देख, इधर आ, इधर आ चिन्नी। ये देखो, ये देख सकते हैं आप, ये मेरा प्यारा सा नन्ना सा दोस्त है, चिन्नी नाम है इसका, ओके। ईद मुबारक, ईदी चाहिए बाबू, बाबू को ईदी चाहिए, ईद मुबारक कर, ईद मुबारक, ईद मुबारक। और ये है छोटू, ये इन लोगों का घर है। और ये है मेरा छोटू, और ये है मेरा छोटू, आजा, नहीं आ रहा है। ईद मुबारक। आई होप आज ईद का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अल्लाह हाफिज, जय हिंद और ईद मुबारक मेरी तरफ से।